हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स हिस्ट्री के फोर्थ चैप्टर व्हाट बुक्स एंड टेलर्स के एन क्वेश्चन आंसर्स तो सबसे पहला क्वेश्चन मैचिंग का है कॉलम्स आपको मैच करने हैं और वर्ड्स हैं इन द गॉड्स जिनका लिटरल मीनिंग है वेल well सेट चैरियट्स रथ यूज किए जाते थे पहले बैटल्स में यज्ञ का मतलब है सेक्रीफाइस दास मीन स्लेब्स एंड जो बड़े स्टोन बोल्डर्स थे उनको कहा जाता था सेकेंड क्वेश्चन इज कम्प्लीट देंटेंसेज सेंटेंसेज आपको कंप्लीट करने हैं ब्लैंक्स को फिल करना है स्लेब्स वर यूज फॉर स्लेब्स को यूज किया जाता था फॉर वेरियस काइंड ऑफ वर्क मेगालिथ्स आर फाउंड मेगालिथ्स मिलते हैं डेकन में साउथ इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और कश्मीर में स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स ऑन द सर्फेस ऊपर बड़े बड़े पत्थरों से सर्कल बना दिया जाता था तो ये था टू पॉइंट आउट द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ बरियल ताकि बरियल का कब्र का एग्जैक्ट प्लेस पता लगे पोर्ट होल्स वर यूज फॉर पोर्ट होल्स यूज किए जाते थे फॉर बरिंग अदर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली सेम फैमिली के दूसरे मेंबर्स को बरी करने के लिए दफनाने के लिए इन टू द सेम ग्रेव पीपल एट इनाम गांव एट इनाम गांव में लोग खाते थे वीट बार्ले राइस पलसेस मिलेट्स पीस, मीट एंड फ्रूट लाइक बेर आमला जामुन डेट्स एंड बेरी नेक्स्ट इज इन वॉट वेज आर द बुक्स वी रीड टूडे डिफरेंट फ्रॉम द रिग्वेद जो बुक्स हम आजकल पढ़ते हैं वो रिग्वेद से कैसे अलग है सो द बुक्स वी रीड टूडे आर रिटर्न प्रिंटेड एंड देख हम बुक्स पढ़ते हैं पहले वो लिखी जाती है उसके बाद प्रिंट होती है देन हम उनको पढ़ते हैं लेकिन जो रिग्वेद था वॉज ओनली रिसाइटेड उसको सिर्फ रिसाइट किया जाता था बोला जाता था एंड और जो दूसरे लोग थे वो सुनते थे एंड पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर और इसी तरीके से वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होती गई नेक्स्ट इज वॉट काइंड ऑफ एविडेंस फ्रॉम बरियस टू आर्कियोलॉजिस्ट यूज टू फाइंड आउट कौन कौन से एविडेंसेस सबूत जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो यूज करते हैं टू फाइंड आउट वेदर देर वर सोशल डिफरेंसेस अमंग दोज हु वर बरीड कि जिन लोगों को दफनाया गया है उनमें क्या कोई सोशल डिफरेंसेस थे सो so ये एक ब्रह्मगिरी का एग्जाम्पल आपको दिया है तो वहां पर आर्क्योलॉजिस्ट को मिला है एक बरियल मिला है एक स्केलेटन जिसको बरी किया गया था थर्टी थ्री गोल्ड बीड्स के साथ दो स्टोन बीड्स के साथ और चार कॉपर की बैंगल्स के साथ जबकि एक दूसरा स्केलेटन मिला जिसके पास सिर्फ कुछ पॉट्स रखे हुए थे मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे तो इन फाइंडिंग से पता लगता है सजेस्ट करती है कि वहाँ पर कुछ डिफरेंसेस थे इन स्टैटस में नेक्स्ट इज इन वॉट वेज डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ अ राजा वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ दास और दासी ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी राजा की लाइफ कैसे डिफरेंट थी दास और दासी से सो राजा हैड द हाइएस्ट सोशल स्टैटस वेर दास और दासी जो थे वर स्लेव्स वो स्लेव्स थे हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर वॉर जिनको जनरली में युद्ध में कैप्चर किया जाता था दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द दर्स जो ओनर्स थे उनकी प्रॉपर्टी के जैसे वो दास और दासी को यूज करते थे हु कुड मेक देम डू वट एवर वर्क दे वॉन्टेड जो भी काम चाहे वो उनसे करा सकते थे ओके सो दैट्स दॉ इसी के साथ क्वेश्चन आंसर्स ओवर होते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग